हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है पिक कार्ड होगी, और आज जो है हम जानेंगे कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, उनके करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो आपको अपने पर्सन का, आपके पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। सो अगर आपके पर्सन का नेम AIDCJMOFSUVXYY से शुरू होता है तो आपको पाइल वन या ग्रुप वन चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम BEKGHLNPQRTWZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप टू या पाइल टू चूज़ करना है। देख लीजिए आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर, नाम का पहला अक्षर कौन से ग्रुप में, कौन से पाइल में मौजूद है, और उसे आप चूज़ कर लीजिए। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर वन, अगर आपने पाइल वन या फिर आपके पर्सन का नेम AIDCJMOFSUVXYY से शुरू होता है तो देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए गाइस, वहाँ पर और भी सारे वीडियोस हैं, उससे आपको जो है हेल्प मिल जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी। मैनिफेस्टेशंस के वीडियोस वगैरह हैं, ठीक है, बहुत तरह तरह की वीडियोस हैं, आप लोग देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, पेड पर्सनल रीडिंग्स, लेसन्स, एनर्जाइज स्टोन्स, क्रिस्टल्स एक्सेट्रा के लिए, तो बिल्कुल आप लोग रीच आउट कर सकते हो। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव रहिएगा, एंड उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो। ओके, हमारे पास है थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ओके हमारे पास है द सन, एट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम डेक से हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर आप लोग, कुछ लोग हो सकते हो कि सेम जेंडर रिलेशनशिप पे हो, LGBT कम्युनिटी से हो आप लोग, ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया बिकॉज ये सबके लिए है, और यहाँ पर मुझे दिख भी रहा है कुछ लोगों के लिए, फॉर सम ऑफ यू। ओके, एनी वे, सो यहाँ पर जो साइंस है यानी कि जो राशियाँ मौजूद है वो है वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस, एंड अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, सारे साइंस यहाँ पर मौजूद है गाइज। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो विद थ्री ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है आपको मिस कर रहे हैं डेफिनेटली, वो उन सारी बात को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं जब आप दोनों साथ रहकर इन्जॉय किया करते थे, साथ में एक दूसरे के कंपनी को इन्जॉय किया करते थे, बातचीत करते थे, मस्ती किया करते थे, ठीक है, बहुत कुछ शेयर किया करते थे, हंसी मजाक आप लोग करते थे। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, एंड ये सोच रहे हैं कि फिर से काश आपसे मिल पाते, या आप दोनों के बीच फिर से मजाक मस्ती हो पाती, बातचीत हो पाती, ठीक है, अच्छे अच्छे कन्वर्सेशंस, डीप कन्वर्सेशंस हो पाते। तो इस पर्सन की फीलिंग्स ऐसी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, और इनको ऐसा मन हो रहा है कि आपसे जल्द से जल्द मिले, या फिर आपके साथ इनकी जल्द से जल्द बातचीत हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिसेंटली इस पर्सन ने आपको मैसेज किया है, या फिर आपने इस पर्सन को मैसेज किया हुआ है, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर नहीं भी किया है तो हो सकता है कि इस पर्सन का मैसेज आपको रिसीव हो बहुत जल्द, कुछ आवर्स के अंदर ही, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस पर्सन की बेचैन वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि इस पर्सन को चाहिए कि आपके साथ जो है थोड़ा टाइम स्पेंड करें, आपसे बातचीत करें, ऐसा इनको मन हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ऑलरेडी आप लोग कम्युनिकेशन में आ चुके हो, बातचीत आप लोगों की चल रही है, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट है, तो कॉन्टैक्ट बहुत जल्द होगा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है।
किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है करंटली इन्होंने बैलेंस बनाया हुआ है, ओके, अपने इमोशंस पे, अपने मेंटालिटी पे, अपने प्रैक्टिकलिटी पर. एंड अब जो है ये इंसान थोड़े मच्योर तरीके से सोच समझ पा रहे हैं अब दोनों के रिश्ते को लेकर, एंड एक मच्योर तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि मुझे दिख रहा है पास्ट में इनके अंदर इमोशंस थे, लेकिन हो सकता है अपना दिमाग इन्होंने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया और इमेच्योर इन्होंने बिहेव किया, हॉट एंड कोल्ड इनका बिहेवियर रहा होगा. लेकिन अब जो है ये इंसान आपके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हैं ये इंसान आपके साथ, ओके. ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है. इमोशनली बहुत फील कर रहे हैं और इनको एक्सप्रेस भी करना है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है करेंटली ये किस तरीके से आपको एक्सप्रेस करें. आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, या हो सकता है किसी तरह का डिफरेंस हो, या फिर हो सकता है कि ये इंसान की प्राइड बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये इंसान इतना ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए, लेकिन सामने से आकर बोलते नहीं है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनकी बहुत ज़्यादा प्राइड है. बहुत प्राइडफुल इंसान ये है जो भी ये इंसान है. द सन एंड सिक्स ऑफ वॉन्ट्स, मुझे दिख रहा है इनके मन में करेंटली होप जागी हुई है आप दोनों के रिश्ते को लेकर. बहुत ज़्यादा ये हैप्पी हो चुके हैं, जब भी आपको याद कर रहे हैं बहुत पॉजिटिविटी के साथ, बहुत हैप्पी एनर्जी के साथ कर रहे हैं. हो सकता है आप भी कुछ दिनों से इस पर्सन को मिस कर रहे हो एक अच्छे वे में, हो सकता है आप नेगेटिव ना होकर आप बहुत खुश हो जब भी आप इस पर्सन को याद कर रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी भी हो सकती है. सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन को अल्टीमेट चाहिए हैप्पीनेस, एंड इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ ये हैप्पी रह पाएंगे, एंड अब आपके साथ ये जो है फर्दर प्रोसीड करना चाहते हैं, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, लाइफ में विक्ट्री चाह रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते में विक्ट्री चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर ट्रू इमोशंस तो है, ठीक है. और आपके पर्सन को आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ दिखती हैं, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है आपके तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन एक इज्जत के साथ, एक प्राइड के साथ ही, ठीक है. ये किसी भी तरह की अपॉलोजी या फिर चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की एनर्जी इनके अंदर मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है. क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनको जो चाहिए उनको वो चीज़ मिल जानी चाहिए, तो करंट फीलिंग्स मुझे ऐसी नज़र आ रही है. बट हाँ, डेफिनेटली आपके साथ जो है कुछ आपको ऑफर करना डेफिनेटली चाहते हैं, बहुत बड़े तरीके से नहीं, लेकिन हाँ कुछ छोटे तरीके से ही सही. जैसे आपको डेट पे बुला लिया, या फिर आपके साथ जस्ट इन्होंने बोला कि चलो मिलते हैं, या फिर आपके साथ एक कॉल इन्होंने कॉल में बात कर ली, ठीक है. तो ऐसी इनकी इच्छा जाग रही है मुझे यहाँ दिख रहा है. इनका फोकस हो सकता है कि फाइनेंसेस पे था, और फाइनेंसेस पे इनको एक होप जागी है कि इनके फाइनेंसेस ठीक हो सकते हैं, इनका करियर ठीक हो सकता है, जिसके बाद करेंटली इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये आपके तरफ आ सकते हैं, क्योंकि अब चीज़ें जो है इनकी ठीक होने लगी है. तो ऐसे भी मुझे एनर्जी आ रही है इस पर्सन की तरफ से. चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज कैसी हैं आपको लेकर, फिर हम यस और नो सेशन भी करेंगे और मैसेजेस भी हम देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से. कॉर्निकोपिया, डेफिनेटली देखिए यहाँ पर है 11, मास्टर नंबर है ये. कुछ लोग हो सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, लेकिन जो भी चीज़ें हैं आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील कर रहे हैं जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं. और इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये वक्त है कि इस कनेक्शन की एंडिंग्स ना करके बल्कि इस कनेक्शन की ग्रोथ की जाए. हो सकता है कि इनको एक वेकअप कॉल भी मिल रहा होगा करेंटली यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर एक लाइट भी आ रहा है, ओके. और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं. डिसीट 25, नंबर 25. कुछ लोग के लिए आपके पर्सन की एज 25 हो सकती है, 26 हो सकती है, ओके, 28 हो सकती है, 36, 35, 32 हो सकती है कुछ लोगों के लिए. तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन जो है अपने फीलिंग्स डेफिनेटली छुपाते हैं, करेंटली भी वो चीज़ को ये वही कर रहे हैं कि इनको बात करनी है, इमोशनली आपके लिए फील कर रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कनेक्शन की एक नई शुरुआत चाहते हैं. एक बहुत होपफुल एनर्जी में है ये इंसान, लेकिन हो सकता है ये इंसान ने अभी तक आपको कुछ बताया नहीं है या फिर कुछ इनिशिएट नहीं किया है, ठीक है. एंड ऑल्सो इस पर्सन को भी डाउट है कि आप ट्रस्टवर्दी हो या नहीं, आप ट्रूथफुल हो या नहीं, ओके. हो सकता है कि इनको ट्रस्ट इश्यूज हो. फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल, नंबर 38. तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो भी पर्सन है, हो सकता है कि इनके जो हर्ट चक्रा के ब्लॉकेजेस थे वो धीरे धीरे हील हो रहे हैं, और वो जो अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहे थे, तो उस चीज़ को अब ये समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है. तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि अगर आपने एंजल से हेल्प मांगा है तो एंजल्स आपके रिश्ते में हेल्प कर रहे हैं, एंड इनके ब्लॉकेजेस भी दूर हो रहे हैं. और अगर आप इनर वर्क कर रहे हो या मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ भी आपकी वर्क कर रही है कहीं ना कहीं.
स्ट्रॉन्ग वार्निंग. तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अगर इन्होंने और भी ज़्यादा लेट किया तो चीज़ें डेफिनेटली खत्म हो जाएंगी पूरी तरीके से, क्योंकि ये आपको मूव ऑन करता हुआ देख रहे हैं. यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द सन का कार्ड है. तो इस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आप उस पर्सन का वेट कर रहे हो, या फिर आप जो हो सैड हो, या फिर आप बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे हो उनके लिए. बल्कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप मूव ऑन हो चुके हो, आप अपनी लाइफ की ऑलरेडी आप आगे बढ़ते जा रहे हो. तो इस पर्सन को ऐसा डर लग रहा है कि अगर इन्होंने और भी ज़्यादा ये बैठे रहे और भी ज़्यादा इन्होंने चीज़ों को छुपाई तो हो सकता है कि इनके पैर से ज़मीन खिसक सकता है. इन द सेंस कि आप सीरियसली मूव ऑन कर सकते हो, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो सकते हो, और फिर जो है इनका दिल टूट जाएगा. तो वेकअप कॉल मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए मिल रहा है, और हो सकता है बहुत जल्दी ये इंसान जो है एक्शन ले ले आपकी तरफ. ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास अटैचमेंट. तो देखिए, ये इंसान बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं आपके साथ, ठीक है. और इनके अटैचमेंट्स कुछ ख़राब चीज़ों में भी हैं, जैसे कुछ नेगेटिविटीज़, इनके कार्मिक फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, कोई फ्रेंड्स जो कि अच्छे ना हो, टॉक्सिक हो, या कोई एक्स लवर जिनके बारे में ये अभी तक भी सोचते रहते हैं, एक्स सिचुएशन जिसके बारे में ये सोचते रहते हैं. उन सारी चीज़ों को ये इंसान जो है लेट गो नहीं कर पाते हैं, हालांकि करना चाहते हैं. हो सकता है आपको 555 भी दिखता हो, सकता है ऐसा सिचुएशन आपके साथ भी हो. तो आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करते हो, सोल कनेक्शन फील करते हो, लेकिन कुछ नेगेटिव अटैचमेंट्स की वजह से हो सकता है आप दोनों आगे नहीं बढ़ते. जैसे प्राइड अगर किसी के अंदर है तो वो भी कहीं ना कहीं ख़राब चीज़ है, वो नहीं होनी चाहिए एक प्यार में, एक रिलेशनशिप में, बट वो है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस पर्सन को देरी लगती है, आप दोनों का कनेक्शन आगे नहीं बढ़ता है. लेकिन जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, वो एक दूसरे को लेकर डेफिनेटली मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, जेन्युइन एंड मच्योर दिख रही है. ओके, तो इस पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे ये नज़र आ रही है. चलिए यस और नो में देख लेते हैं हम आपके लिए, फिर हम उनके मैसेजेस देखेंगे कि वो आपको और भी क्या बताना चाहते हैं. ओके, तो मैं जब तक शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, एक ही क्वेश्चन पूछिएगा ताकि आपको जो है क्लियरली आंसर मिल पाए और आप लोग क्लियर हो पाओ उस चीज़ को लेकर. तो किसी भी चीज़ से ये हो सकता है रिलेटेड, आपकी जो भी मर्जी आप क्वेश्चन पूछिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपका आंसर यस है या नो है. और क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है. जो भी आंसर आए उसको एक्सेप्ट कीजिएगा रैदर दैन टेंशन लेने के या वरी करने के. ओके, चलिए देख लेते हैं. नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यस यस, डेफिनेटली यस, ठीक है. तो कोई भी अगर क्वेश्चन आपने पूछा है तो उसका आंसर यस है, ठीक है, यस या अगर ये करियर से रिलेटेड है तो बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे दिख रहा है यस है, ठीक है, अगर कुछ करियर से रिलेटेड है. अगर कोई लव लाइफ से भी रिलेटेड है तो यस है. लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ पूछा है कि मूव ऑन करना चाहिए या अभी मुझे सिचुएशन छोड़ देना चाहिए, तो उसका भी आंसर यस है, ठीक है. तो कुछ भी आपने पूछा है उसका आंसर यस है. चलिए अब हम आपके पर्सन के तरफ से जो है मैसेजेस देख लेते हैं कि वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं. तो यहाँ पर देख, माय गॉड, ओके ओके, चलिए देख लेते हैं वन बाय वन. चलिए, तो सबसे पहला है लेट्स बी फ्रेंड्स फर्स्ट. तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों में वो फ्रेंडशिप नहीं है अच्छे तरीके से, एक दूसरे को सोचने समझने की कंपैटिबिलिटी की इशू है, या हो सकता है ये इंसान अब जो है वापस से आपके साथ एज अ फ्रेंड स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है. तो ये आपको कहना चाहते हैं अनब्लॉक मी प्लीज़. तो हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, या फिर उन्होंने भी ब्लॉक कर रखा है एक दूसरे को. ये चाहते हैं कि आप उन्हें अनब्लॉक करो. देन वी हैव आई लव यू, तो दिस पर्सन लव्स यू. फिर है हमारे पास आर यू लॉस्ट बेबी गर्ल, ओके ओके. देखिए ये जो मैसेजेस है ना, ये चाइल्ड करने के टाइम आते हैं, ठीक है. तो आई डोंट नो किनके पार्टनर्स के ऐसे ऐसे ड्रीम्स या फैंटसीज़ होते हैं कि ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं. एनीवे, मैरिज, तो ये पर्सन हो सकता है आपको मैरिज प्रपोजल देंगे, या फिर इनका इच्छा है कि आपके साथ शादी कर लें जल्द से जल्द. आई स्टॉक यू डेली, आपको डेली स्टॉक करते हैं, ठीक है. आपने क्या पोस्ट डाला है, नहीं डाला है, क्या चल रहा है आपके लाइफ में, कैसे भी करके हो लेकिन करते ज़रूर हैं. आई वॉन्ट टू किस यू,
ओके सो दिस पर्सन वॉन्ट्स यू एंड यू आर ओनली माइन, ये बस आपको अपना मानते हैं, ठीक है, ये किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते, तू ही हकीकत। तो ये सॉन्ग है, हो सकता है आपको डेडिकेट करना चाह रहे हो या फिर इनके ड्रीम्स में भी आप आते हो, ऐसा भी हो सकता है। इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा, इसके लिरिक्स में आपके पर्सन के मैसेजेस हो सकते हैं। सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आए, अगर पसंद आए रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो पायल नंबर टू, अगर आपने पायल टू या फिर आपके पर्सन का नेम BEKGHLNPQRTWZ से शुरू होता है तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, करंटली वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं, येस और नो सेशन भी हम करेंगे आपके लिए बिकॉज रिक्वेस्ट बहुत आ रहे थे। सो गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर सारे डिटेल्स मौजूद हैं, दूसरे और भी वीडियोज़ हैं मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड एक्सेट्रा, जिसे देख कर आप अपने लाइफ में क्लैरिटी ला सकते हो। एंड ऑल्सो जो है पेड पर्सनल रीडिंग्स, एनर्जाइज क्रिस्टल स्टोन्स, लेसन्स वगैरह के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिए। सेकेंड चैनल की डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओके। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो। फोर ऑफ वॉन्ट्स, ओके, ये पर्सन तो शादी के सपने देख रहे हैं आपके साथ, ओके, और भी देख लेते हैं उसके बाद में बताती हूँ। सबसे पहला मैसेज जो मुझे चैनल हुआ वो यही था। फोर ऑफ कप्स, ओके, तो कुछ लोगों हो सकता है आप लोगों को एंजेलिक नंबर्स दिखते हों, 444444 या कुछ दिनों से दिख रहे हों, ओके। टेन ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो यहाँ पर जो साइंस है वो है फायर साइन एरियस लियो सजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइशियस, अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, ये आपके आपके पर्सन के हो सकते हैं। एयर साइन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर एक्वेरियस की वाइब्स हैं, ठीक है। और अगेन साइंस में मत जाइएगा बिकॉज 12th चार्ट में कहीं ना कहीं बहुत सारे साइंस मौजूद होते हैं, ठीक है, तो ये चार्ट में भी मौजूद हो सकता है, तो उतना ज़्यादा आप लोग साइंस पे फोकस मत कीजिएगा, एनर्जीज पे जाइएगा। बार बार मैं बोलती हूँ टैरो रीडिंग्स हमेशा एनर्जीज के अकॉर्डिंग होती है, ना कि साइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर भी द फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट, आपके जो पर्सन हैं बहुत आइसोलेटेड हैं, ठीक है, बहुत परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पार्टनर की शादी फिक्स कहीं हो गई है और उनको नहीं करनी है वो शादी, लेकिन उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को प्रपोजल्स मिल रहे हैं डेफिनेटली न्यू रिलेशनशिप्स के लिए, ठीक है, एक से ज़्यादा प्रपोजल्स इनको मिल रहे हैं, और लेकिन इनको जो है उन रिलेशनशिप्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन प्रपोजल्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना इनको जो है आपसे मूव ऑन करना है। करंटली तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपके साथ शादी के सपने देख रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, अगर शादी नहीं भी करना चाह रहे हैं तो फ्यूचर ही आपके साथ देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा उदास है क्योंकि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली मुझे बहुत नो कॉन्टैक्ट दिख रही है, और मुझे दिख रहा है आप दोनों ही तड़पते हो एक दूसरे के लिए, लेकिन आप दोनों ही जो है एक जगह पर रुक जाते हो, ठीक है, कम्फर्ट जोन से निकल नहीं रहे हो आप दोनों। तो इस पर्सन को जो है डेफिनेटली आपके साथ ही स्टेबिलिटी चाहते हैं या आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, बहुत दुख में हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन इस जो ये जो होप है ना यहाँ पे इनको आप दोनों का साथ में फ्यूचर दिख रहा है, ये आपके लिए जो है ड्रीम कर रहे हैं, ठीक है, विजुअलाइज कर रहे हैं ये आपके साथ अपने फ्यूचर को, ठीक है, ये प्लान कर रहे हैं कि कैसे आप लोग मिलोगे, कैसे सब होगा। हालांकि इनको पता नहीं है कि फ्यूचर में आप लोगों की यूनियन होगी कि नहीं, लेकिन हाँ होपफुल है ये इंसान, और अभी के लिए मुझे दिख रहा है बहुत अकेले अकेले से हैं, किसी से इनकी बातचीत नहीं हो रही है, किसी के साथ जो है ये इंसान ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं,
और लोगों के सामने प्रिटेंड कुछ और कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर ये बहुत घुट रहे हैं, मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ज़्यादा दिल खोल कर किसी के साथ नहीं रह पा रहे हैं करेंटली, तो मुझे बहुत हैवी एनर्जीज आ रही है इस पर्सन की तरफ से। एंड विद द फोर ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स, देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन को डेफिनेटली प्रपोजल्स आ रहे हैं, इनको जो है यूनिवर्स की तरफ से भी अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आ रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनको डेफिनेटली रिसेंट डेज में प्रपोजल्स आए होंगे रिलेशनशिप के लिए किसी पर्सन की तरफ से, लेकिन इस पर्सन ने जो है रिजेक्ट कर दिया होगा, मना कर दिया होगा, या फिर इस पर्सन ने कोई रिप्लाई ही नहीं किया होगा क्योंकि इनका ध्यान बस आप पर है, ठीक है। हालांकि मुझे दिख रहा है कि ये इनसिक्योर है, इनके दिल में भी डाउट्स है कि शायद आप किसी और के साथ चले गए हो, शायद आपने इनको धोखा दे दिया है, शायद आप कहीं और बिजी हो किसी और लड़के के साथ या लड़की के साथ, लेकिन फिर भी जो है ये इंसान जो है चीट करने से अच्छा या किसी और के साथ जाने से अच्छा है अकेले रहना प्रीफर कर रहे हैं इस वक्त करेंटली, क्योंकि आपको बहुत मिस करते हैं, ये आपको अपना सोलमेट के रूप में देखते हैं, आपको ये अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो है डेस्टिन कनेक्शन है, आप दोनों का सोल कनेक्शन है, और इनके इनको जो है आपके तरफ से ही वो पार्टनरशिप चाहिए, जो हो सकता है कि आपसे इनको नहीं मिल रहा है या फिर ये आपके तरफ नहीं आ पा रहे, लेकिन बहुत इमोशनली ये फील कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। आप लोग हाई लेवल के सोलमेट्स हो सकते हो, बट हो सकता है आप दोनों की एनर्जीज इस वक्त जो है इम्बेलेंस्ड हैं, क्योंकि आप दोनों हो सकता है लाइफ में स्ट्रगल्स कर रहे हो किसी ना किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं ये इंसान, इस इंसान को जो है कहीं पर इंसान फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इनका दिल किसी भी काम पर नहीं लग रहा है, चाहे अगर स्टूडेंट है, वर्किंग है, जो भी है, इनका फोकस एक्चुअली इनका मन कहीं नहीं है, इनका ध्यान बस आपकी तरफ है, सारी सिचुएशंस पे है, आप दोनों के बीच में जो भी हुआ। 10 of Wands and 5 of Wands मुझे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा बर्डनड है, अगर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था लास्ट टाइम तो उस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ये पर्सन अभी भी बर्डनड है कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसी चीज़ के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं उन सारी चीज़ों को। और मुझे दिख रहा है इस पर्सन के पर्सनल लाइफ में भी कुछ स्ट्रगल्स चल रहे हैं, करियर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, कोई और किसी और लोग से रिलेटेड या अपने लाइफ से रिलेटेड, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बर्डनड है और इनको थोड़ा सा पीस चाहिए, आपका प्यार चाहिए, जो चीज़ इनको नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से इंसान जा रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेंस है आपको लेकर, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान आपको लेकर टेंशन भी कर रहे हैं कि पता नहीं आप कहाँ हो, आप सही हो कि नहीं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप खुश हो कि नहीं हो, ठीक है, या फिर आपने इनको चीट कर दिया, तो ऐसी एनर्जी में ये इंसान है, डेफिनेटली आपको लेकर ये सोच बहुत रहे हैं, टेंशन में बहुत है। 7 of Pentacles मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान का ध्यान आप पर है, इनकी नज़रें आप पर हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अभी आपको पा नहीं सकते, अब आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हो सकती और शायद इनको अब क्विट कर देना चाहिए, इनको जो है एफर्ट्स नहीं लगाने चाहिए, तो ऐसा इस पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है करेंटली। और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं, तो हमारे पास है वॉकिंग अवे नंबर 27। तो हो सकता है कि इस पर्सन ने बहुत बार मन बनाया है कि आपसे दूर चले जाएंगे, आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करेंगे, लेकिन ये हमेशा आपके बारे में ही सोचते रह जाते हैं, पूरे दिन मूव ऑन करने जाते हैं लेकिन वहीं पर ये रुके रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और इनको ऐसा भी लगता है कि शायद आप मूव ऑन हो गए हो, शायद अब आप इनके लाइफ में आप नहीं लौटोगे कभी भी, तो इनको परेशानी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप या आपके पर्सन इस ईयर 27 के हो जाओगे, ठीक है, 27 ईयर्स के हो जाओगे, कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है मुझे, कुछ लोगों की यहाँ पर एजेस जो हैं वो हो सकती है 19, 20, 24, 36, 42, 50। ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है, ये इनको ये आप इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो, आप मानो या ना मानो, आप उस चीज़ को अग्री करो ना करो, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार से आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप शायद बहुत कुछ लाइफ में डिजर्व करते हो और ये शायद आपको दे पाएंगे या नहीं, तो सेल्फ वर्थ इश्यूज़ इस पर्सन को है, लेकिन करेंटली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ये कर रहे हैं, ठीक है, आपको लेकर। एंड चलिए देख लेते हैं और भी कार्ड्स, स्ट्रैटेजी ओके नंबर 21। तो मुझे दिख रहा है ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके तरफ कैसे बातचीत इनिशिएट करें, आपके तरफ कैसे आएँ, कैसे जो है लाइक ऑकवर्ड ना लगकर ये कैसे आपकी तरफ आएँ, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। हो सकता है कि ये इनडायरेक्टली कुछ पोस्ट वगैरह डाल रहे हों या स्टोरीज डाल रहे हो आपके लिए, या फिर आपको उन्होंने फॉलो वगैरह कर लिया हो, या फिर ऐसे मुझे दिख रहा है इनडायरेक्टली कुछ स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, एटलीस्ट अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो करेंगे, मुझे दिख रहा है कि कुछ तरीका ही अपनाना चाह रहे हैं जिसकी तरफ से ये आपके तरफ आ पाएँ, अपनी फीलिंग्स को ये बता पाएँ कि अभी भी आपके लिए फील करते हैं और ये आपको वापस पाना चाहते हैं। ओके
मैन होल्डिंग अ हार्ट, दिस पर्सन लव्स यू अलॉट, ये इंसान आपको सच्चा प्यार करते हैं, आप मानिए ना मानिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, लेकिन मुझे ना दिख रहा है मैक्सिमम लोगों के लिए ये पर्सन आपके ट्रू लवर हैं, ये आपको दिल से प्यार करते हैं, ठीक है, ये इन्होंने आपके साथ अनकंडीशनली जो है आपको प्यार किया है, अनकंडीशनल लव किया है आपको, ठीक है, चाहे जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुआ, बट सोल कनेक्शन डीप लेवल का आप दोनों के बीच में, इंटेंस कनेक्शन है, इंटेंस अट्रैक्शन है, और दिस पर्सन लव्स यू ऑल आउट, बहुत प्यार करते हैं ये आपसे, ठीक है, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो। बॉटम ऑफ द डेक से है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, सो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, बिकॉज हो सकता है कि ये आर्कएंजल माइकल्स के प्रेयर्स वगैरह करते हों, या फिर ये आर्कएंजल माइकल्स के हेल्प लेते हों, या फिर इन जनरल भी ये आर्कएंजल माइकल जो है वो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो अगर अभी कुछ स्ट्रगल्स है तो आगे आने वाले टाइम पर स्टेबिलिटी आप दोनों के रिलेशनशिप में आएगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल फील कर पाओगे, ग्राउंडेड फील कर पाओगे, ओके, सो ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं आ रही है। तो चलिए अब हम जो है यस और नो देख लेते हैं, ये तो इनकी करंट फीलिंग्स थी, तो मैं जब तक शफलिंग कर रही हूँ आप लोग जो है कोई एक क्वेश्चन कीजिए, किसी भी रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हो, फिर मैं आपको बताऊंगी कि जो आंसर है वो यस है या नो है। अगेन जनरल रीडिंग है गाइज, सो अगर कोई भी आंसर आता है तो उसे आप एक्सेप्ट कीजिएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो शफलिंग मैं कर रही हूँ और हम देखेंगे कि क्या आता है। द एम्परर, यस, अगर आपने रियूनियन या फिर कमिटमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किया है तो बहुत जल्दी यस है, बहुत जल्दी, ठीक है, और आपने जो भी पूछा है करियर से रिलेटेड कुछ भी आपने पूछा है तो बहुत जल्दी यस 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 यस, ओके यस। कुछ लोगों ने मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग पूछ रहे थे कि क्या हम ट्विन फ्लेम्स हैं, क्या हम सोलमेट्स हैं, ठीक है, ऐसा किसी ने पूछा है, तो वो भी आंसर है यस, तो सारी चीज़ों का आंसर है यस, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अगर किसी ने पूछा है कि क्या ये पर्सन मुझे चीट कर रहे हैं या ऐसा कुछ है, तो आंसर इज नो, ठीक है, तो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उसका आंसर डेफिनेटली यस है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कुछ मैसेजेस आपके पर्सन के तरफ से, कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ओके, ले लेते हैं, इसे भी ले लेते हैं, ओके, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला मैसेज है आई वॉन्ट टू सिंग फॉर यू, तो ये आपके लिए गाना गाना चाहते हैं, आपको सॉन्ग डेडिकेट ये करना चाहते हैं, ओके, तो है काश वो पल पैदा ही ना हो जिस पल में नजर तू ना आए, तो हो सकता है बहुत ये सॉन्ग वगैरह सुन रहे हैं आपको, याद कर करके मिस कर रहे हैं आपको। फिर है यू आर माई एवरीथिंग, वो आपको अपना मानते, हो सकता है ये बात उन्होंने कभी कही भी हो कि आप उनके लिए सब कुछ हो। फिर है तू ही हकीकत, ये पायल वन में भी आया था, तो सॉन्ग्स बहुत आ रहे हैं, हो सकते हैं सॉन्ग लवर हो, या आप दोनों के कनेक्शन में म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल है। एंड मैं तुम्हारे गोद में सर रख कर सोना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो ये पर्सन जो है आपको अपने पास चाहते हैं, ओके, डिवाइन लव, आप दोनों का डिवाइन लव है। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, आपसे ये बात करना चाहते हैं डेफिनेटली, ठीक है। हे यू लुक हेयर, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, तो ये चाहते हैं कि आप उन्हें अटेंशन दो। फिर है कैन आई प्रपोज यू, तो ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन डाउट में है कि आपने अगर रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, ओके। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।